ये है मैप, ये गुएना को जाने वाली सड़क, इसमें ये खास पॉइंट है, इसलिए तुम कहीं गुम नहीं होने वाले। थैंक यू। यू वेलकम। खबर मिलते ही मैं फोन करूंगा, ओके? जरूर करना और अपना ख्याल रखना। तुम्हें अकेला का भी ख्याल रखना होगा। जूलियन, ये लो तुम्हारा सामान। थैंक यू सो मच। अब जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे इस तरह से डरा क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने पहले कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती निकेला? मैं भी यही कह रही हूँ, तुम समझते नहीं हो। कातिल को पकड़ने में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं स्प्रिंजा जैसी नहीं हूँ। स्प्रिंजा यह समझती है कि मुझे यह काम अभी करना चाहिए। अब तुम उनके लिए बेहद खास हो और मेरे लिए तुम खास हो। निकेला, तुम यहां से वापस जाओ प्लीज। पता नहीं तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो जूलियन। जब से वो औरत आई है हमारे लिए वो सरदर्द बन गई है। हम दोनों एक टीम थे, तुम और मैं, तब सब कुछ ठीक था। निकेला, तुम मुझे लेकर अभी भी उलझन में हो, मुझे समझो। तुम्हें दूर रखने की एक वजह यह भी है। पर मैं दूर नहीं जाने वाली। हमें यह करना ही होगा, मेरी बात समझो। देखो, तुम इसी तरह समझोगी, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, हमें अपनी समस्या सुलझानी चाहिए। तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। खुदगर्ज तुम हो जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। मेरा एक 6 साल का बच्चा है और उसे मेरी जरूरत है निकेला। मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूं। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? अगर कर पाऊंगी तो। अगर चाहो तो कर पाओगी? उन्हें एक मौका दो, लेकिन पूरे मन से। रुको। ये तुम्हारे लिए मैं करूंगी। कहाँ गई थी? बाहर गई थी, तुम्हारी इजाजत लेनी होगी। ऐसा करना खतरनाक होगा। देखो, पूरे इलाके में पुलिस है और तुम ऐसे ही कहीं भी आ जा नहीं सकती। तो क्या तुम उसके पीछे गई थी?
मुझे उसे कुछ कहना था। क्या थी? पर्सनल बात। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बताओ क्या करना है। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, नाम है मिस्टर ब्रैडली, वही जिन्होंने मुझे जेल से निकलवाया। मुझे उम्मीद है उनके लिए तुम्हारी बेगुनाही साबित करना बहुत आसान होगा। उन्होंने तुम्हें कैसे निकाला? मेरे डैड को मारने के बाद तुमने उनसे बहुत झूठ कहे होंगे ना? मुझे हमेशा ताने मारती रहोगी क्या? यह बात तुम्हारी आजादी की है और कुछ नहीं। इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है? बहुत अच्छे से बात करती हूँ। अकेले लड़ना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मुझे इस बारे में सच में जानना है। मेरे दोस्त इसलिए हैं क्योंकि मैं उनसे ब्लेस्ड प्रिजन में मिली थी। वो वहां तब आए थे जब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वो मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं यहां पर ना होती। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था। मुझे लगा था यहां सिर्फ जूलियन तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि उसने तो मुझे यही बताया। उसने ऐसा कहा तुमसे? वो मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त से कहीं बढ़कर है। उसे मैंने चुना है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और प्यार? हाँ, चाहना, सब कुछ मानना और उसके लिए जान तक देना, है ना? हमारे रिश्ते से तुम परेशान हो? नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर परेशानी है तो बताओ मुझे। देखो, मैं लोगों की खुशामदी नहीं करती, पर अच्छा है कि वो यहां से चला गया। उससे मेरा पीछा छूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बोर हो गई हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ या ये भी नहीं कर सकती? बेशक तुम कर सकती हो, एस्पेरेंजा इसे सिखाओ। तने को निकालना होगा वरना सूखी घास फिर से उगाएगी। इस तरह नहीं, ये देखो, ऐसे ऐसे करना है। ये देखो, इसे इस तरह से खींचना है, समझी? समझ में आ गया ना? देखो मैं क्या लाई। क्या लो? ये बहुत स्वादिष्ट है लेना। सच में बहुत स्वाद है, पर थोड़े सूखे हैं। ओ, ब्रैडली का फोन है। हेलो, कैसे हैं आप? क्या आप नजदीक ही हैं?
मैं आपको लेने शहर आती हूँ, कहीं आप गुम ना हो जाएं। ठीक है, मुझे जाना होगा, बाद में मिलती हूँ। क्या ये तुम्हारी मॉम का वही गार्जियन एंजल है? काश वो सच में एंजल हो, ताकि ये बुरा सपना खत्म हो जाए। ये स्वादिष्ट है। बहुत अच्छे। मिस्टर ब्रैडली, कैसे हैं आप? गुड, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपका सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा। ओके। सच कहूँ तो बहुत मजा आया। ओह, बढ़िया। जगह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। जी मुझे पता है, शुक्रिया। आपकी बेटी कहाँ है? वो घर पर इंतजार कर रही है। ओह, और तुम्हारा घर कहाँ है? वो मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। एक बात कहूँ, तुम बहुत सुंदर हो। ओह। अरे मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है मौसम इतना सुंदर है इसलिए। नहीं, मुझे माफ कीजिए। वो घर किसके नाम पे है? वो मिसेस हेलेना का घर है। वो इस इलाके की मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने ही मेरी बेटी का जख्म ठीक किया था। और जख्म? हाँ, आपको बाद में बताती हूँ। वैसे वो अब पूरी तरह से ठीक है। ओके, चलो चल के मिकेला से मिलते हैं। मैं उसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं, और कोई नहीं है, बस मिसेस हेलेना, मैं और मिकेला, बस। मिसेस हेलेना के साथ और कोई नहीं रहता है? नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मिसेस हेलेना शहर से तंग आ गई थी, तो उन्होंने इस इलाके में घर खरीद दिया और यहाँ आकर रहने लगी। वो अकेली रहती है। बढ़िया है। हाँ। ओ मिसेस ब्रैडली, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे आपको बहुत सी बातें बतानी है। तो बताओ ना। अपनी बेटी से मिलना मेरे लिए आसान नहीं था। भरोसा रखो, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, आपसे यहाँ मिलने के लिए मैं थोड़ा सा हिचक रही थी, पर मुझे यकीन है जब आप मेरी बेटी से मिलेंगे तो उसे बहुत मदद मिलेगी आपकी। ये तो होगा ही। आओ चलो चलते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना दूर है? बस नजदीक जाना है। चलो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओगी ना? हाँ, उस तरफ। हाँ हाँ, उधर लेना है ना? हाँ, उधर से चलिए। हाँ ठीक है। क्या आप एस्परेंजा के लिए बेलाडोना बना रही हैं? उसे पसंद है? क्या तुम्हें ये बेलाडोना पसंद है? आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बताती? तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो, बताओ। कुछ भी। मेरी शादी हुई थी, पर मुझे करनी नहीं थी, और मैंने अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको छोड़ दिया। उसने बच्चों को पाला। ये जिंदगी मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मैंने जाने का फैसला लिया और मैं यहाँ पर आ गई। आपके बच्चे हैं? हाँ हैं, बड़े हो गए हैं और यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, थोड़े अलग तरह के हैं। अरे ध्यान से क्या कर रही हो, वहाँ रखो, ये लोडेड है। पता है मेरे फैसले में किसने मदद की? किसने? मेरी माँ ने। इसलिए अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। और कभी कोई गड़बड़ मत करना, समझी? मुझे लगता है आपकी माँ बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे ये ऑरेंज देना। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते होंगे। नहीं, इसे कहीं और रख देती हूँ, वरना तुम फिर से इसे उठा लोगी। मैं भी साथ चलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए मैं यहाँ मिसेस जस्टिना मेंडोजा की ओर से आया हुआ हूँ। वो जाना चाहती है कि उनकी दवाई आई या नहीं। हाँ, लेकिन वो तो ले जा चुकी हैं।
हाँ देखिए, उन्होंने एक नई दवाई मंगाई थी जो अभी तक नहीं आई है। ये दवा दोपहर तक आ जाएगी, ये बात उन्हें बता देना। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, इस तरफ चलिए, आ जाइए। हेलेना, मिकेला, हम आ गए। मिकेला, हेलेना, ये जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ, मिसेस हेलेना का घर बहुत ही खूबसूरत है। दोनों बाहर ही थे, पता नहीं कहाँ गई। नहीं नहीं, रुको रुको, क्या मैं तुम्हें तुम की जगह तो बुला सकता हूँ? हाँ शुक्रिया। उन्हें वो वीडियो कैसे मिला था? मुझे बस इतना पता है कि वो कातिल के बैकपैक में था, और वो आदमी ह्यूस्टन, उसी ने मिकेला की आंटी और उसकी दोस्त को मारा है। ओह, बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ। और वीडियो किसके पास है? आपको याद नहीं मैंने बताया? हाँ, 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 कि जैसे ही आप आएंगे वो उसे ले आएंगे, फिर हम साथ में देखेंगे। भूल गया था, अभी याद आ गया। मैं भूल गया था। कोई बात नहीं। तुमने मेरे बारे में अपनी बेटी से बात की? हाँ बेशक की है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैंने उसे बताया है। वो तो मेरा फर्ज था। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे जूलियन कहाँ है? आप मेरे से जूलियन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तुम ही ने तो बताया था। मैंने हाँ, बताया तुम ही था? ने बताया था। दिमाग पे जोर दो, सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। तो आ गए आपके गार्डियन एंजल? हाँ आ गए। कैसे हो तुम? मिकेला, तुम फंस सकती हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ये लो, तुम्हें ये चाहिए। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारी वजह से खोया, सारी गलती तुम्हारी थी। निकल जाओ यहाँ से। मिकेला, ये है मिस्टर ब्रैडली। मैं चाहता हूँ कि तुम जूलियन को ढूंढो और उससे कहो कि मैं यहाँ हूँ और मुझे अपना मेमोरी कार्ड चाहिए। मिस्टर ब्रैडली, आपको समझ नहीं आया? हाँ मैंने कहा ना, ये ब्रैडली नहीं है, ये तो ह्यूस्टन है। देखो मेरी जान, मैंने तुमसे थोड़ा झूठ बोला था। मेरी जान, क्या आप दोनों मिले हुए हैं? नहीं हाँ। बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या है? मिकेला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे और तुम्हारी माँ के बीच क्या चल रहा है। जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। पता नहीं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं इस बात का कि मैं सच कहूँ तो हम दोनों दो जिस्में जान है। मिकेला, मिकेला, रुको। इसे देख रही हूँ, रुको। चलो आ जाओ, आ जाओ। आराम से, आराम से इस तरफ आ जाओ। ओके। कन नीचे रखो। वो क्या है मिकेला की, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ को बांध। नहीं। बांधो। बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता था। तुम इधर आओ, इधर आओ। दूर हटो, उससे दूर हट जाओ। हटो। हमारे पास वो मेमोरी कार्ड नहीं है, सुना तुमने? वो नहीं है हमारे पास। मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। छोड़ दो उसे। ठीक है, ये बताओ जूलियन कहाँ है? मैंने कहा ना, जूलियन यहाँ नहीं है। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो यहाँ नहीं है, नहीं है। तुम्हें क्या लगता है,
तुम ये सब कर पाओगे? मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं है, नहीं है। यार सच कह रही है, हमारे पास नहीं है। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। हटो। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। और अपनी माँ से ऐसे बातें मत करो। चलो माफी मांगो, माफी मांगो। इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसे। देखो, ये एक अच्छी औरत है और तुमने इसका फायदा उठाया, क्योंकि वो बहुत ही सीधी है और मैं तुम्हारे जैसा बकार हूँ, इसलिए इससे माफी मांगो। उसे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। माफी मांगो, मुझे माफ कर दो। बोलो माफ कर दे। इसकी बोलो माफ नहीं कर है। दे। माफ कर दो। मिकेला। बोलो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस तरह से बात करने के लिए माफी चाहती हूँ। मामा। माँ। माफ चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। हमारी इस कहानी में आ जाओ, बैठो। अब तुम दोनों को एक साथ बांध देता हूँ, ताकि तुम लोग ज्यादा तंग ना करो मुझे। ओके, बस हो गया। इस कहानी में और भी किरदार होने चाहिए थे। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? तेरी तो मैंने कहा ना, मेरी बेटी से दूर रहो। खबरदार जो इसे छुआ तो। ओके। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ और कोई नहीं है। क्या ये सच है? हाँ। मैं खुद चेक करके आता हूँ। हेलेना कहाँ है? वो बगीचे में है। जूलियन कहाँ है? बताओ जूलियन कहाँ है? तुम ये बताओगी या नहीं? ठीक है, मैं 10 तो गिनता हूँ। नहीं, मुझे मार दो पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बोलो। मेरे पास वो मेमोरी कार्ड है, मेरे पास है। तुमने उसे देखा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। जिस दिन मैं तुमसे मिलने शहर गई थी, चाहो तो वहां चलते हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। वो कहाँ है? तो क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? मिकेल के? उसे कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है। तो इसे मैं ले जाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बेटी को मत ले जाओ। नहीं। तुम तो बता नहीं रही हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मत ले जाओ, ऐसा मत करो, मत ले जाओ। चलो अपनी माँ को बांधो। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, जल्दी बांधो अपनी माँ को। जल्दी करो। मेरी बच्ची को यहाँ से मत ले जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। उसे छोड़ दो, उसे मत ले जाओ, छोड़ दो। ओके,
अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ देखो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मेमोरी कार्ड कहाँ है, बताओ मुझे। जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। नहीं। मिकेला! नहीं! मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो? तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोला तुमने मुझसे। मिकेला, ये मुझे मारना चाहता है। उसने तुम्हें ढूंढा कैसे? उसने एस्पेरेंजा को धोखा दिया है। तुमने मुझसे झूठ कहा ना कि जूलियन अंदर नहीं है? हमारे साथ नहीं है। हाँ, वो यही है। उसने मुझ पे गोली चलाई, मुझ पे पीछे से वार किया। तुमने उसे मार दिया। तुम्हें उस लड़की की इतनी परवाह क्यों है? वो तुमसे नफरत करती है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि प्यार कौन करता है। मैं हूँ ना, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? नहीं नहीं, मैंने उसे मारा नहीं है, वो अभी जिंदा है। मिकेला मत आना। उसे यहाँ आने के लिए कहो। नहीं, अपनी जान बचा के आने के लिए कहो। उसे जल्दी बुलाओ। मुझे मार दो। नहीं हो सकता, बुलाओ उसे। मिकेला, मिकेला, क्या आपके पास दूसरी गन नहीं है? दूसरी तो नहीं है, बुलेट्स खत्म हो गए हैं, बाकी के घर के अंदर हैं। देखो मिकेला को कहो कि जूलियन को बुलाए, जल्दी से यहाँ बुलाए। उसे कहो कि वो फिक्र ना करे, हम दोस्तों की तरह सब कुछ सुलझा लेंगे। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यही रुके, मैं अभी आती हूँ। तुम जानती हो ना मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मिकेला। उस आदमी को क्या चाहिए? उसे वो मेमोरी कार्ड चाहिए, वो जूलियन के पास है। वो यहाँ नहीं है, पता चलेगा तो ये हमें मार डालेगा। मुझे तुम्हारी बेटी से यही उम्मीद थी, पर जूलियन ने उसे बाहर आने से मना कर दिया। जूलियन यहाँ नहीं है। उसी के पास वो मेमोरी कार्ड है। उसी के पास है, उसी के पास है। उठो, चलो। मिकेला, जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम डरो मत, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी गोली नहीं मारूंगा, कभी नहीं। बाहर आ जाओ। रुको, उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। हाथों पर गोली मत चलाना। पास आओ, कोई चला कि नहीं? वो मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास है ना? मेमोरी कार्ड हमारे पास नहीं है, एस्पेरेंजा ने तुम्हें धोखा दिया है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। और कौन कौन है यहाँ? और कोई नहीं है। जूलियन को बाहर आने के लिए कहो, कहो कि वो बाहर आ जाए। रुक जाओ, रुक जाओ। धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं, सबके सब बाहर आ रहे हैं। गन नीचे रखो। अंदर और कौन कौन है? कौन कौन है? कोई नहीं है। सच सच बताओ। सच में घर के अंदर और कोई नहीं है। ठीक है। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? ठीक है, तुम सब लोग अंदर चलो।
लिविंग रूम में चलो, सब कुछ समझाओ। मुझे छोड़ दो, चुप रहो, चुप। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिकेला, मिकेला, मेरी बच्ची, दोबारा मेरी बच्ची को छूना मत। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, अंदर जाओ और शांत रहो। हेलो रोजेलियो, क्या मेरा पैकेज आ गया? उन्होंने आपको मैसेज नहीं दिया जस्टिना जी? कैसा मैसेज? एक आदमी यहाँ आया था ये देखने के लिए कि आपका ऑर्डर आया या नहीं। कैसा दिख रहा था? वो दिखने में बिल्कुल अजीब सा ही था। थैंक यू वेरी मच। ये आपका बिल। होगा तुम लोग मुझे सच बता दो, कुछ नहीं होगा, ताकि मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं, नहीं तो उसके जिम्मेदार तुम लोग होगे, आगे जो कुछ भी होगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो क्या हालत बना दी है। मुझसे इनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। कम से कम लड़की को पेन किलर दे दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम वही अच्छे इंसान हो ना जिसने जरूरत के वक्त मेरी मदद की थी। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। बस बस। हाँ, हम दोबारा वो सब शुरू करेंगे। क्या कहा जूलियन? तो उसके पास मेमोरी कार्ड है तो मैंने सही कहा ना? जूलियन के पास मेमोरी कार्ड नहीं है। तो फिर किसके पास है? एक दोस्त के पास है। तो फोन करके उसे बोलो कि मेमोरी कार्ड लेकर के आए। मुझे नहीं पता उसे कांटेक्ट कैसे करना है। ये सच है, मुझ पर यकीन करो। सच में? मैंने कई दिनों से जूलियन को नहीं देखा है। यहाँ पुलिस आई थी और फिर वो भाग गया और तब से कोई खबर नहीं उसकी। वो भाग गया? वो शख्स भाग गया जिसकी तारीफ में तुमने डायरी में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं? मेरी डायरी? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि वो मेरे पास है। तुमने तो कहा था कि तुमने उसे फेंक दिया। हाँ, उसने फेंक दिया था, लेकिन मैंने कचरे के गंदे ढेर से उसे उठा लिया।
और उसके जरिए मैंने जाना एक शानदार प्रेम कहानी जो जूलियन और स्प्रेंजा के बीच चल रही है। तो अब देखोगे कि लव स्टोरी खत्म कैसे होती है। जूलियन ने भागने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था, नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम उसे बचा रही हो। नहीं तुम उसे बचा रही हो। जूलियन ने बुरी तरह से मेरा दिल तोड़ा है। कसम से मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। तुम्हें याद नहीं मैंने कहा था कि कल मेरा एक दोस्त मेमोरी कार्ड लेकर आएगा, क्योंकि उसे पता था कि हम साथ होंगे। तुम्हें याद नहीं क्या मैंने कहा था? इरीना, क्या बात है माँ? हमें चलना चाहिए। वो आदमी जो तुम्हें ढूंढ रहा था उसे हमारा पता चल गया है। वो कौन? मुझे पता नहीं पर उसे हमारा पता चल गया है। पर आप किसकी बात कर रही हैं? क्या आपने इसे शहर में देखा? नहीं नहीं नहीं, पोस्ट ऑफिस वाले आदमी ने मुझे बताया कि वो मेरे बारे में पूछ रहा था। क्यों ना तुम जाकर उसे पूछते हो, वो मुझे नहीं बताएगा। इरीना, मुझे समझ में नहीं आता तुम उसे बात क्यों नहीं करते। क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है माँ। रिकार्डो ने उसे यकीन दिलाया है कि मैंने उसके अच्छे दोस्त को मारा है और मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। पहले रिकार्डो वाला मामला सुलझाना होगा। इससे पहले वो हमें ढूंढे, हमें जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कहाँ कैसे, पर हमें जाना चाहिए। हम बोगाटा चले जाए, कहीं भी चलो। तुम्हें प्यास लगी है? नहीं। सच में? तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं! हेलेना, हेलेना तुम ठीक हो? दिल कर रहा है इसे इसी वक्त मार दूं। मुझे इस बुढ़िया का जोश बहुत पसंद आया। बस करो हम लोगों को दर्द देना। मैं तुम्हें जिंदगी का एक सबक बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, जो होगी वही काटोगी। अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जाओ, उसने कुछ नहीं किया है। ये धोखेबाज है, इसने मुझे धोखा दिया। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये इंसान है ही नहीं, राक्षस है। नहीं नहीं नहीं, उनका बहुत खून बह रहा है, उन्हें छोड़ दो। ओके 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 ओके, लोग मुझे ब्रैडली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। मेरे लिए तो यही नाम था ना। मैंने तुम्हारी आंखों में दया देखी थी। मुझे यकीन है तुमने जेल में जो किया वो झूठ नहीं था। ब्रैडली, मुझे यकीन है तुम इन्हें मरने नहीं दोगे, बचा लोगे ना। बोलो, देखो
नीचे दवाइयाँ हैं, अगर तुमने मुझे इजाजत दी तो हम इन्हें बचा सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी बेटी और हेलेना को बचाना होगा, समझे? मैं चाहता हूं। मैं दिलो दिमाग से तुम्हारा हूं, लेकिन एक बात कहूं, तुम इस हाल में नहीं हो कि मुझसे कुछ डिमांड कर सको। अगर मेरी बेटी और हेलेना को कुछ भी हुआ तो तुम मुझे यहां से बाहर मरा हुआ लेकर जाओगे। तुम इन सभी कपड़ों को यहीं छोड़ोगी? अरे जाने दो, यहीं छोड़ देती हूं, बाद में देखेंगे क्या करना है। सच में तुम मेरे साथ चल रही हो ना? तुम्हारे साथ जाने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या मतलब? तुम फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकता? तो क्या मैं तुम्हें संकी दिखाई देता हूं? तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, तुम वैसा ही बर्ताव कर रहे हो। मैंने ऐसा? तुम जानना चाहती हो कि जॉन ने तुम्हें तंग करना क्यों छोड़ दिया, तुम्हें और परेशान क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मर गया है। तुम्हारे लिए उसे मार डाला। क्या इसके लिए शुक्रिया नहीं कहोगे? किसी को मारने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहूं? क्या कहा? क्या कहा? आखिर तुम्हें कौन बचाता उससे? कौन करता तुम्हारी मदद? जूलियन,